Assalamualaikum guys, this is Danish Sumro and welcome back to my channel. So you are watching storeforyouse.pk channel. आज हम PUBG lovers के लिए डिवाइस लेकर आए हैं. तो गुड न्यूज़ है PUBG lovers के लिए, जो मेरे भाई हैं PUBG के बड़े एक्सपर्ट हैं, बट क्या होता है कि उनके पास डिवाइस अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो कॉम्पीट नहीं कर पाते. जैसे कि हैवी डिवाइसेस वालों के पास 90 FPS जो है का ऑप्शन होता है और ग्राफिक्स का होता है, बट मेरे भाई जो है अफोर्ड नहीं कर पाते इतना महंगा फ़ोन. सो वो बेचारे जो है गुजारा कर लेते हैं. बट स्टोर फॉर यू आपके पास एक ऐसी डिवाइस लेके आ रहा है जो बहुत ही कम प्राइस में 90 FPS भी देगा आपको और 845 स्नैपड्रैगन है उसमें. मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि उसमें प्रोसेसर है 845 स्नैपड्रैगन और फ़ोन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ. ये कोई डब्बा पैक फ़ोन नहीं है, ब्रांडेड ही आता है हमारे पास. ये आप देख सकते हैं सामने आपके है, दिस इज़ अ शार्प एक्वास R2, फुली गेमिंग फ़ोन है, 845 स्नैपड्रैगन है, 4GB रैम है और 64GB बिल्ट इन है. और इसको रिव्यू करने के से पहले हमारा इंट्रो. आप देख सकते हैं कि ये एक डिवाइस है जो कि जापान से इंपोर्ट होती है और शार्प का ब्रांड है जो कि जापान में बड़ा, अगर आप इसको सर्च करेंगे, ये शार्प जापान का एक बड़ा अच्छा ब्रांड है. इन्होंने ये जो डिवाइस आपके पास पाकिस्तान में आ रही है 50,000, 20,000, 30,000, 60,000, 70,000 में भी आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं मिल रहा, बट ये अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो शार्प एक्वास R2 है ये 845 स्नैपड्रैगन के साथ है भैया, और ये हम आपको दे रहे हैं सिर्फ 12,999 में. 12,999 में हम उनको देंगे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो है अपना हमें बताएंगे कि हमने आपके चैनल से ये वीडियो देखी है. सो उनको हम देंगे 12,999. एक्चुअल इसकी जो प्राइस है वो है 13,999. रेगुलर प्राइस जो है हम इसकी जो है 13,999 रखी हुई है. अब हम चलते हैं इसके फीचर्स के पास. इसके फीचर्स क्या है अगर हम इसकी बात करें स्टोरेज और रैम की, तो 4GB रैम है और 64GB बिल्ट इन है, मैं आपको बता चुका हूँ. और अगर हम इसका पबजी जो है प्ले जो है मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, हमारे वीडियो से पहले ही आपने पबजी प्ले देखा होगा इसका, ठीक है. अब स्क्रीन की बात करेंगे, इसमें जो है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले लगा हुआ है. ये जो डिस्प्ले लगा हुआ है दिस इज़ द 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, जिसकी वजह से ही ये आपको जो है 90 FPS देगा. अब हम इसका पबजी टेस्ट करते हैं और पबजी ऑन करते हैं. सो पबजी ओके, सो पबजी ऑन करते हैं, देखते हैं कि इसमें जो है पबजी कितनी देर में लोडिंग करती है. सबसे पहले जो है हम इसकी लोडिंग देखेंगे. मैं आपको दिखाई चुका हूं कि ये अपना जो है दिखाई चुका हूँ कि पबजी इसमें कैसे चलती है. बिल्कुल ही लैग नहीं कर रही थी स्टार्टिंग में ही, मैंने इसमें पबजी दे दी थी ताकि आप लोग देख सकें. अच्छा, ग्राफिक्स भी इसके बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसे ग्राफिक्स नहीं है. अगर मैं इसकी फुल ब्राइटनेस करूँ तो आप जो है ताकि इसके ग्राफिक्स देख सकें. अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है अंदर से, ये चाइनीज़ नहीं है, ये जापानीज़ है. ये जापान का ब्रांड है शार्प एक्वास R2. देखिए कितनी जल्दी लोड हो गया. और ये पबजी वालों का प्रोमो है अगर आप देखना चाहें. सो मैं अगर इसको स्किप करना चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ, बट आप देख लें. ओके, सो स्किप करते हैं और इसकी अब हम जो है मेन फीचर्स के पास जाते हैं. ये मैं आपको इसलिए डायरेक्टली पबजी दिखा रहा हूँ कि अपना जो है ताकि आपको पता चले कि इसकी क्या सेटिंग्स है. इसकी सेटिंग्स में चलते हैं डायरेक्टली, ग्राफिक्स पे आते हैं. देखें ये रहा 90 FPS, ये ले बेटा आपके लिए जो है, ये ले आपके लिए 90 FPS. 13,000 की डिवाइस में और 90 FPS मिल रहा है आपको. आप लाखों के आईफोन्स लेकर आते हैं उसमें भी 90 FPS नहीं है, और यहाँ पर देखें आप 90 FPS सिर्फ और सिर्फ 12,999 में, सिर्फ एक्सक्लूसिव ओनली ऑन storeforyou.pk. आप जो storeforyou.pk से बदरा कहीं से भी जो है ऑर्डर कर सकते हैं. मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा कम करूं ताकि मैं आपसे बात कर सकूं.
और अगर हम जो है इसमें आप और देख लें कि स्मूथ में 90 FPS है, बैलेंस्ड में भी है, HD में भी है, HDR में भी जा रहा है, अल्ट्रा HD नहीं है। हमारा नेक्स्ट एपिसोड है अपना जो है R3, उसमें आप देखिएगा उसमें अल्ट्रा HD भी होगा और उसमें 855 स्नैपड्रैगन है, वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेगा। सो ग्राफिक सेटिंग्स आपने देख ली और मेरे हिसाब से तो इतने पैसों में ये वर्थ इट। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है नॉन PTA फ़ोन होगा और टैक्स इसका जो है ज़्यादा नहीं है, हम आपको 20,000 में विद PTA अप्रूव ही करके दे देंगे। सो अभी हम जो है इसकी बात करेंगे इसकी स्क्रीन की। इसकी स्क्रीन जो है मैंने आपको बताया कि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। अगर आप ये स्क्रीन देखेंगे 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। और दूसरा मैं आपको इसमें दिखाऊं कि ये जो आप देख सकते हैं ये नॉच है यहाँ से और यू डिस्प्ले है और ये जो इसका बटन है ये अपना जो है फिंगरप्रिंट है। और इसकी और बात करें तो हम चार्जिंग की बात करें सो आप देख सकते हैं कि ये जो है टाइप सी चार्जिंग है। इसमें जो है 10 वॉट की चार्जिंग सपोर्टेड है, रैपिड चार्ज आप कर सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें कैमरा की सो इसकी फ्रंट कैम जो है फ्रंट कैम की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट कैम इसका है तकरीबन 16 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा है। 16.3 बोल सकते हैं आप इसको, 16.3 फ्रंट मेगापिक्सल कैमरा है। और बैक कैमरा की बात करें तो इसकी बैक कैमरा 22.6 मेगापिक्सल है। अच्छा, इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है विद 30 FPS, 30 फ्रेम पर सेकंड जो है आप विद 4K इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इतने से पैसों में इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं आपको, 44K वीडियो रिकॉर्डिंग, 22 मेगापिक्सल, 845 स्नैपड्रैगन और खूबसूरत भी, ऐसे नहीं कि कोई गया गुजरा फ़ोन है इसका। अगर आप डिज़ाइन देखें तो कोई गया गुजरा फ़ोन नहीं है, खूबसूरत फ़ोन भी है। और हाँ, 12,999 में नॉन PTA आपको बताया कि इम्पोर्टेड फ़ोन आते हैं तो आपको टैक्स पे करना है। जैसे कि आप एप्पल का अगर कोई फ़ोन लें तो आपको उसको टैक्स पे करना है, विदाउट टैक्स जो है नहीं चलता। सो आपको कैसा लगा वीडियो और कुछ अगर आप जानना चाहें हमारे इसके वीडियोज़ के बारे में या इसकी फ़ोन की फ़ीचर्स के बारे में तो आप हमसे कॉन्टेक्ट प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइब करें तो हमसे स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करें तो 1,000 रुपीज़ का हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। 14,000 का फ़ोन है, 13,999 का 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा चैनल के थ्रू। सो 1,000 रुपीज़ ऑफ तो 12,999, शिपिंग सिर्फ 150 रुपीज़ रखी है पूरे पाकिस्तान में और हैदराबाद, हम बेसिकली हैदराबाद से हैं तो उनके लिए 99 रुपीज़ की शिपिंग है। सो फ़ोन की हम जो है 7 डेज़ रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं क्योंकि यूज्ड फ़ोन है। सो यूज़ फ़ोन की कोई वारंटी नहीं होती बट स्टोर फॉर यू आपको 7 डेज़ की रिप्लेसमेंट वारंटी देता है। और हैदराबाद जो हमसे फिजिकली बाय करते हैं फ़ोन उनको हम 2 डेज़ रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं विदाउट एनी फिजिकल डैमेज। इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी का थोड़ा ड्रॉबैक है, इसकी 3100 mAh बैटरी है। आजकल फ़ोन जो है 4000 और 5000 mAh बैटरी दे रहे हैं लेकिन ये जो है बैटरी इसकी इतनी कम है थोड़ी बहुत बैटरी, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इतने सारे पैसों में इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली इतना तो आप कंप्रोमाइज़ कर ही लेंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर प्रोडक्ट पसंद आ रही है तो ऑर्डर भी करें। स्वी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।